गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पोली कल्चर ठीक है पोली कल्चर पोली का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ स्पीशीज को जब हम एक साथ कल्चर करते हैं तो हम उसको पोलीकल्चर बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सड फिश फार्मिंग एंड कंपोजिट फिश फार्मिंग ठीक है बेसिकली इसके अंदर अगर मैं आपको इसका एक रफ आइडिया दूँ ये एक पॉन्ड है ठीक है जब इसके अंदर हम हर एक नीच के अंदर हर एक कॉलम के अंदर हम उसके बिल्कुल सरफेस के ऊपर भी मिडल पार्ट के अंदर भी और उसके बॉटम एरिया के अंदर भी फिशीज़ की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को कल्चर करें तो हम उसको पोली कल्चर बोलते हैं ठीक है यानी हम डिफरेंट वराइटीज़ को मिक्स कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं इसको मिक्सड फिश फार्मिंग या फिर कंपोजिट फिश फार्मिंग ठीक है इसके अंदर हम ना फास्ट ग्रोइंग स्पीशीज लेते हैं देखो हम होलीकल्चर किस लिए कर रहे हैं कि हमारे हमारे पास मैक्सिमम मछलियाँ आएँ हम उसे मैक्सिमम ग्रोथ करें फिर हम उसे मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके अगर वो मछली फास्ट ग्रोइंग होगी तभी हमारे पास मैक्सिमम इकोनॉमिकल बेनिफिट आएगा ठीक है इसलिए हम इसमें क्या करते हैं हम फास्ट ग्रोइंग फिशेस को लेते हैं जिनकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स हो कि कोई फाइटो प्लैंकटोन्स तो को खाए कोई जू प्लैंकटोन्स तो को खाए कोई डिकेट मैटर को खाए जिसकी वजह से उनके अंदर रिसोर्सेज का कॉम्पिटिशन ना हो ठीक है और हम या फिर उनका डिफरेंट वेट क्लास हो उसके बाद अगर हम उसको सेम पॉइंट के अंदर कल्चर करते हैं तो उसको हम पोली कल्चर करते हैं ठीक है पोली यहाँ से दोबारे में आपको समझा रही हूँ पोली यानी बहुत ज़्यादा यानी टाइप ऑफ फिशेज और कल्चर का मतलब होता है हम उसको ग्रो कर रहे हैं ठीक है अब हम ऐसा क्यों करते हैं ताकि हमारे जितने भी इकोलॉजिकल नीच है जितने भी एरियाज हैं उसको हम मैक्सिमम यूज कर सकें जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन पर हेक्टेयर्स ठीक है मान लो हमने यहाँ पर हमने मोनोकल्चर किया मोनोकल्चर में क्या होता है हम सिर्फ एक ही स्पीशीज को एक ही पौंड के अंदर कल्चर कर रहे हैं है ना तो उसके अंदर हम लेट सपोज हमने कटला कटला ग्रो किया कटला कटला सिर्फ ऊपर के एरिया में रहती है ठीक है तो यानी हमारा उसी पौंड का नीचे वाला एरिया और मिडल वाला एरिया अनयूज चला जाएगा ठीक है लेकिन हमने पोलिकल्चर में क्या किया हमने सबसे ऊपर भी एक वैरायटी ऑफ फिशेज रखी बीच में भी रखी नीचे भी रखी ठीक है जिसकी वजह से उनके अंदर रिसोर्सेज सनलाइट के लिए उनके अंदर फूड के लिए कोई कंपटीशन नहीं हुआ और तीनों ने अलग अलग इकोलॉजिकल नीच को ऑक्यूपाई करके मैक्सिमम प्रोडक्शन दी पर हेक्टर ठीक है जीके? अब हम एक एग्जांपल करते हैं एक डिटेल्ड एग्जांपल जो इंडिया के अंदर कंपोजिशन ऑफ फिशीज बहुत कॉमनली यूज होता है फॉर पोलिकल्चर ठीक है ये एक पॉन्ड है ठीक है जो इसका सबसे ऊपर वाला एरिया जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती है जहां पे आपके फाइटो वगैरह ग्रो करते हैं ठीक है चीके? उसको बोलते हैं हम अपर सरफेस जोन जो ये एरिया है जहाँ ऑफ सनलाइट आती है ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं होती उसको हम बोलते हैं मिडल कॉलम जोन ठीक है और जो सबसे नीचे है जहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं है उसको बिल्कुल बेंथिक एरिया जो हम पोन का कहते हैं उसको बोलते हैं हम बोटम जोन ठीक है हमने क्या किया अपर सरफेस जोन में लिए कटला कटला मिडल सर मिजल मिडल कॉलम में लिया हमने लेबियो रोहिता और बॉटम कॉलम में लिया हमने सिडिनस निकाला और बहुत सारे केसेस में साइंटिस्ट ने मुगिल से फेलस को भी इसके अंदर कंसीडर किया ठीक है अब हम इनकी फीडिंग हैबिट्स को देखें कटला कटला क्या खाती है फाइटो प्लैक्टोन्स और जो प्लैंगटोन्स ठीक है कटला कटला का जो लार्वा होता है उनकी फ्राई होती है फिंगर लिंग्स होती है वो ज्यादातर एल्गी और जो प्लान्टोन्स को खाती है अब हम मिडिल कॉलम uh, में हमने लिया रोहिता को रोहिता ज्यादातर क्या खाती है बेटा यूनिसेलुलर एल्गी वेजिटेबल मैटर्स और जो बेसिकली इन तीन चीजों के ऊपर वो फीड करती है ठीक है अब हमने लिया सिडिनस मिकाला या फिर मुगिल सिफेलस ये फिश क्या खाती है जो सबसे नीचे पोट के किसी भी पोर्ट के नीचे होता है डिकेड मैट ठीक है तो ये खाती है डिकेट एनिमल्स को डिकेट प्लांट्स को एल्गी डिट्राइटर्स ऑर्गेनिक मैटर जो ये सड़ा गला जो पोन के नीचे सामान है ये उसके ऊपर फीड करती है ठीक है यानी इन तीनों की फीडिंग हैबिट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी कॉम्पिटिशन ठीक है इसके अंदर कई बार साइंटिस्ट ने क्या क्या कुछ एग्जॉटिक काप्स को भी इं, इंक्लूड करने की कोशिश की जैसे सिल्वर काप ग्रास काप कॉमन काप ठीक है और कानी वोर, कानी वोर या स्पीशीज को भी इनके अंदर इनकॉपरेट करके देखा गया टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट बेटा अगर हम उसकी हिस्ट्री के बात करें तो इसकी एंशियंट रूट्स हमें चाइना और इंडिया के अंदर मिलते हैं ठीक है इंडिया और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा काप फार्मिंग फार्मर्स होते थे ठीक है वो सीधा क्या कहते थे रिवर बॉडीज़ में जाते थे या वाटर बॉडीज़ के अंदर जाते थे वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाते थे लेकिन उनके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती थी कि वो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उनको पकड़ने के बाद उनको सॉर्ट करें और अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करें इसीलिए उन्होंने पूरी कल्चर को करना स्टार्ट कर दिया आउट ऑफ मजबूरी लेकिन बाद में उस उनको उसका फ़ायदा पता चला कि हाँ इसके तो बहुत ज़्यादा फायदे भी हो रहे हैं ठीक है अब अगर हम उनके फायदे या उनके एडवांटेजेस की बात करें तो बेसिकली पोलिकल्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं सबसे फर्स्ट जो फिशेज़ हैं जैसे मैं आपको ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीच को ऑक्यूपाई कर रही हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है और हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है ठीक है सेकेंड पॉइंट है कि इन स्पीशीज़ के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन नहीं होता क्योंकि उनके जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है वो एक दूसरे डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल नीच को ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए जो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन स्पीशीज के बीच में हो सकता था वो नहीं हो रहा ठीक है और थर्ड पॉइंट है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज़ की ग्रोथ को इनहेंस करती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था लेबियो रोहिता का कटला कटला का ठीक है कटला कटला का कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर लें कि उसकी डेड बॉडी है वो मर गई या फिर उनका जो फिकल मटीरियल है वो जाकर बिल्कुल बेस के ऊपर जाकर रह गया ठीक है वो तो का बेस है उसके अंदर जाके सेटल डाउन हो गया अब दैट इज एक्टिंग एज अ फूड ठीक है कटला कटला की लेब्यो और रोहिता की जो डेड बॉडी है दैट इज एक्टिंग एज अ फूड फॉर सीरियनेस मृगाला क्योंकि सीरनेस निकाला बिल्कुल बॉटम पर वो डिकेड मटेरियल को ही खा रही है ठीक है तो यानी एक स्पीशीज का जो बाई प्रोडक्ट है उसका वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे के लिए एज अ ग्रोथ को उसकी ग्रोथ को एनहेंस कर रहा है जिसकी वजह से उनके अंदर कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा और ये कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते जा रहे हैं ठीक है लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे केसेस में ये बहुत लेस प्रोडक्टिव है ठीक है सीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं रेनफॉल वेरिएशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऊपर जो कोई भी पॉन्ड है उसके टॉप वाली स्पीशीज तो सर्वाइव कर जाए लेकिन नीचे वाली सर्वाइव ना कर पाए ठीक है इसलिए बहुत सारे केसेस में ये प्रोडक्टिव कम हो जाता है ठीक है और दूसरा होता है बेटा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी बहुत कम है ठीक है मान लो अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया में ज़्यादातर कार्प को खाते हैं ठीक है लेकिन हमने यहाँ पे कार्प को ग्रो किया बाकी दो एरिया में कार्प को ग्रो नहीं करा तो इसका मतलब इन दोनों की को सेल करने के लिए इन दोनों की मार्केट हमें नहीं मिली इसलिए हम बोल सकते हैं इनकी कंज्यूमर एक्सेप्टेंस कम है ठीक है नेक्स्ट हमें सप्लीमेंट्री फूड यानी जो हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम सप्लीमेंट्री फूड देते हैं उनको वो देना मुश्किल है मान लो हमने ऊपर वाले के लिए दिया बीच और नीचे वाले के लिए देना के लिए भी दिया तो हम उसको इकोनॉमिकल नहीं बना पा रहे हैं ठीक है वो हमारे लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं रह रहा वो फिर हमें एक्सपेंसिव टेक्निक लगने लग जाती है ये ठीक है नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अब हमने मछलियाँ पकड़ी ठीक है हमें उसके अंदर ज़रूरी थोड़ी ना यही कॉम्बिनेशन ऑफ फिशेज मिलेगा जो हमें चाहिए पहले हम उन कॉम्बिनेशन ऑफ हम हार्वेस्ट करने के बाद उनको अलग अलग सॉर्ट कर लें ठीक है फिर हम फिर से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसीलिए इसमें कितना ज्यादा लेबर लग रहा है कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है ठीक है नेक्स्ट है बेटा ऐसा भी है कि हमने एक कॉम्बिनेशन तो निकाल लिया कि हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है लेकिन लेट सपोज हमें उस कॉम्बिनेशन में से एक मछली नहीं चाहिए थी या फिर उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है तो और कोई कॉम्बिनेशन या फिर हम हर एक टाइप ऑफ स्पीशीज़ के लिए कॉम्बिनेशन बनाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है और ये एक्सेप्टेड भी नहीं हो पाते और एक दूसरे के बीच में वो कॉम्पिटिशन भी शो कर देते हैं ठीक है दिस आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक ठीक है आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड uh, uh, इस लेक्चर के डिटेल्ड नोट्स डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है कीप वॉचिंग थैंक यू